बर्लिन का नज़ारा। यहाँ जितने लोग उतने ही किस्म के बैग्स, हर बैग दूसरे से अलग। इनमें बस एक समानता है, ये सब जूट के बने हैं। जर्मनी में इन जूट के बैग्स का चलन बढ़ने लगा है। मुझे तो इन कैनवस बैग्स की लत लग गई है। इनमें कितना सारा सामान आ जाता है और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप इन्हें कंधे पर टांग सकते हैं या हाथ में लेकर चल सकते हैं और आप इनके साथ फैशनेबल भी लगते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं, दूसरे किसी भी बैग से बहुत हल्के। अगर ये खो भी जाए तो कोई गम नहीं, मेरे पास ऐसे और बहुत हैं। ये बड़े काम के बैग हैं। 5 महीने पहले म्यूनिक के हैंड्रिक बोइंग ने सूब नाम के ब्रांड की शुरुआत की। दरअसल वे देखना चाहते थे कि अगर वे कपड़े के थैलों पर कुछ मजेदार बातें छापें तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी। इस बीच हैंड्रिक के 3000 बैग्स बिक चुके हैं और 2000 का उन्हें ऑर्डर मिला हुआ है। मुझे लगता है कि जब लोग इन बैग्स को देखते हैं तो अपने मूड के हिसाब से उन्हें ये पसंद आते हैं, इसलिए वे इन्हें खरीदते हैं और टांग कर घूमते हैं, शायद सिर्फ 3 महीने के लिए। उसके बाद मन भर गया तो नया बैग खरीद लिया। तीस साल के हेनरिक ने शुरुआत में कंप्यूटर पर ही कुछ लाइनें लिखकर उन्हें इन थैलों पर प्रिंट किया। अब उनका एक डिजाइनर दोस्त उनकी बैग्स डिजाइन करने में मदद करता है। कई लोगों के लिए ये जूट वाले बैग अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक सरल उपाय है। मैं हाल ही में एक दोस्त से कह रहा था कि ये ड्रग्स बेचने जैसा है। लड़के और फैशन में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति का ध्यान बैग्स की ओर जाता है। अगर उनकी कीमत भी कम हो तो ये जाहिर सी बात है कि लोग उन्हें खरीदेंगे, और हमारे बैग्स तो बस 20 यूरो के हैं। हेनरिक बोइंग के बैग्स को आप दुकानों के शोकेस में देख सकते हैं और फैशन जर्नलिस्ट के कंधों पर भी, जैसे कि जर्मन फैशन मैगजीन इन स्टाइल के स्टेफान लिंडमैन के पास। मैगजीन के अनुसार फैशन डिजाइनर कार्ल लागरफेल्ड ने 2009 में पहली बार यहां जूट के बैग्स का चलन शुरू किया। मुझे ये जूट बैग्स 90 के दशक की स्लोगन टी शर्ट्स की याद दिलाते हैं। उस वक्त लोग जो सोचते थे, जो चाहते थे, उन्हें जो ब्रांड्स पसंद थे, वे उन्हें अपनी टी शर्ट पर लिखा करते थे। अब लोग उसे अपने कंधे पर टांग कर घूमते हैं, और ये उससे बेहतर है क्योंकि आप अपने थैले को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये बहुत ही व्यावहारिक है। इस बीच कई बड़े ब्रांड्स भी ये बैग बनाने लगे हैं, जैसे कि सी बाय क्लोए या मार्क जेकब्स या फिर ईव सॉन लॉरेंट। कीमत करीब 170 यूरो यानी 11,000 रुपए। ये थैले मार्केटिंग के लिए भी अच्छे हैं। कंपनियां इन्हें गुडी बैग्स के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं और खास मौकों पर इनके लिमिटेड एडिशन भी निकाले जाते हैं। लंदन फैशन वीक में मलबरी इन बैग्स को स्पॉन्सर करता है, और अब तो ये कलेक्टर्स आइटम्स बन चुके हैं जिन्हें लोग ईबे पर खूब महंगे दामों पर बेचते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ये होते हैं। इन पर लंदन फैशन वीक, मलबरी और तारीख लिखी होती है, इसलिए ये कलेक्टर्स आइटम है। ब्रिटेन के लेखक जितेश पटेल की किताब में इनके 120 डिजाइन दिखाए गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि भारत में सालों से इस्तेमाल होने वाले जूट के थैले अब पूरी दुनिया में छा गए हैं। हेनरिक के थैलों की भी दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। हाल ही में उन्हें सिंगापुर और सिएटल से भी ऑर्डर आए हैं। हेनरिक अपने ब्रांड को और बढ़ाना चाहते हैं। जूट फैशन में है और आगे भी रहेगा। ये वैसा ही है जैसे स्पोर्ट्स शूज या फिर सनग्लासेस, और ये कोई नई चीज भी नहीं है। कपड़े के बैग तो हर किसी के पास होते हैं, और स्टेटमेंट्स और ब्रांड्स के नाम पहनकर घूमना भी सब लोगों को पसंद है। अगर इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको 20-30 यूरो खर्चने भी पड़े तो हर्ज क्या है। और अगर आप इतने सारे बैग्स में से अपने लिए सही बैग नहीं चुन पा रहे हैं तो इस मॉडल से अच्छा विकल्प तो आपके लिए हो ही नहीं सकता। रिलैक्स, इट्स जस्ट अ बैग।